राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरण मीना के सदस्य अनीता की उपस्थिति में बुधवार को शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें लगभग सभी पक्षकार उपस्थित हुए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण विनायक ने बताया कि रायपुर संभाग उत्पीड़ित महिलाओं के मामलों की सुनवाई 22 से 24 फरवरी तक चलेगी। सुनवाई का उद्देश्य प्रदेश भर की महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना और महिलाओं से जुड़े मामले में उन्हें उचित संरक्षण देते हुए न्याय दिलाना है। इसके लिए राज्य महिला आयोग हर संभव कदम उठाने तैयार है। देखिए, आज मामले तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, परंतु एक मामला बहुत खास था, जिसमें एक लेडी ने एक पोस्ट ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी से लिखा पढ़ी करके 50,000 रुपये उधारी लिया था और उसके खिलाफ आयोग में यहाँ पर शिकायत दर्ज कराया था कि मेरे साथ अश्लील छेड़छाड़ करता था। और जब यहाँ सुनवाई में किया गया तब पता चला कि वह उधार लिए गए रुपये वापस नहीं करना चाहती थी और उससे बचने के लिए उसने महिला आयोग का दुरुपयोग किया था। फिर उसने आयोग के कहने पर सामने अनावेदक से आज माफ़ी मांगी, 50,000 रुपये वापस करने के लिए भी स्वीकार किया है। और महिला आयोग का दुरुपयोग पहली बार ऐसा किसी महिला ने किया है और ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ देह मामला था कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आएं, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। और अभी सबसे पेचीदा मामला आया अब तक के हमारे कार्यकाल में, जिसमें पति पत्नी दोनों ने अपने दो बच्चों की जिम्मेदारियां होने के बावजूद पहले पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग गई, फिर पति ने दूसरी शादी कर ली, उससे भी उसके दो, एक पहले बच्चा एक दूसरा बच्चा, दो बच्चों की परवरिश वो खुद के साथ रखकर कर रहा है, परंतु पहली पत्नी से हुए दो बच्चों को उसने एक को भाई के पास छोड़ दिया, एक को माता पिता के पास छोड़ दिया है। और ऐसी स्थिति में दो छोटे बच्चों के साथ लगातार अन्याय तो हो ही रहा है। ये प्रकरण चूँकि मुझे लगा कि बाल आयोग के क्षेत्राधिकार का मामला है, इसलिए मैंने पूर्व सचिव से बात किया जो कि वर्तमान में DPO रायपुर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मामला CWC से निराकरण कराना उचित होगा, इसलिए मैंने फाइल और उन सभी पक्षकारों को अभी उनके पास भेजा है, देखते हैं नियमानुसार वो क्या कार्रवाई करते हैं। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देह स्थिति थी कि दो बच्चे माता पिता होने के बाद आज अनाथ स्थिति में थे। कितने फैमिली आपस में रजामंदी? अभी रजामंदी पूरी तरीके से जो है वो एक केस में स्थिति दिख रही है, पर अभी हमने भेजा नहीं है क्योंकि उनकी शर्तों की लिखा पढ़ी चल रही है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.